ये हॉरर स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे गांव में बहुत फेमस है, एंड मेरे को ये स्टोरी सुनाते वक्त बहुत हंसी आ रही है क्योंकि एक्चुअल में फनी है पर हॉरर भी है। तो हुआ क्या कि हमारे गांव में एक हवेली है बेसिकली, वो बहुत भूतिया कहते हैं उसको। तो रात को एक बंदा चला गया डेयरिंग करने के लिए, तो वो छत पे चढ़ा। जैसे ही पहुंचा वो हवेली ना काफी टाइम से बंद है, बिल्कुल बंद हो रखी है। पैर के नीचे से पानी आया, मतलब बारिश भी नहीं गिर रही, हवेली बंद है, कौन आएगा पानी डालने। तो अंदर में से दिख नहीं रहा था, तो वो गया ऐसे पानी को ढूंढते ढूंढते। तो वो पानी जहाँ से बह रहा था वो जगह थी एक जो बॉर्डर होती है, मतलब छत की बॉर्डर, उसके वहां से सीधा गिरता है नीचे, वहां पे एक लेडी खड़ी हुई। वहां से भूत लोग भी सुसु करते हैं क्या इतना सारा। वो भैया भागने लगा, जैसे ही भागने लगा अचानक से ऐसा लगा किसी ने उसको खींच लिया, पीछे से पकड़ लिया, भाग ही नहीं पा रहा। एंड देन लोग कहते हैं कि वो लेडी जो थी वो घूम के धीरे धीरे पायल छन 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 की आवाज करते हुए उसके सामने आई। वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा एकदम, अपने नखरों से यहाँ पे कुछ गूदा उसको और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो गया। अब जब सुबह वो उठा उसकी फटी, वो भागा वहां से तुरंत, भाग के बाहर आया, अपने घर वालों को काम वालों को सबको बताया। सब लोग बिलीव नहीं किया कि भाई क्या कुछ भी बोल रहा है तुम। लेकिन द शॉकिंग पार्ट इज वो बंदा अभी भी जिंदा है और उसकी छाती पे यहाँ पे रमेश लिखा हुआ है। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच स्टोरी है। भूतनी टैटू वाली थी क्या? तेरा प्यार तो तेरे पास रखना बहन, उसके कर दिया टैटू।